वीडियो देखकर कैसे बोर हो यार। व्हाट्स अप गाइस, क्या आपको ये फैक्ट्स पता हैं? ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा माइनक्राफ्ट आपसे छुपाते हैं। ये फैक्ट्स, क्या आपको ये पता है? क्या आपको ये चीज़ें पता हैं? क्या आपको पता है एक ऐसी चीज़ हमारी इन्वेंट्री में एक सीक्रेट चीज़ रहती है? ये एनिमल के बारे में आपको पता है, ईवोकर जो हम ये छोड़ता है हमारे पे, वो एक ब्लॉक है, वो एक सीक्रेट ब्लॉक है। ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लॉक है, इससे आप किसी को भी मार सकते हो। ये इवोकर जो यूज़ करता है, ये तो ऐसे सीधा डायरेक्ट लगाता है, ये ब्लॉक्स का यूज़ करेगा तो हम मर सकते हैं जैसे रेवेजर। ऐसे ही फैक्ट्स और भी आपको पता चलेंगे, अगर आप यहाँ जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये ब्लॉक और रेवेजर ये मिलाकर बनते हैं। अगर इन दोनों का सामना हुआ तो इनका कुछ भी हो सकता है। ये इवोकर और रेवेजर, ये दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। वैसे तो इन दोनों में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, पर कभी कभी आपने नोटिस नहीं किया, कभी कभी ये दोनों लोग लड़ते हैं। अगर आप सोल का मतलब जानो तो सोल का मतलब तो कुछ और ही होता है। सोल से बनेगा ब्लू टॉर्च। ये ब्लू टॉर्च और नॉर्मल टॉर्च में अगर देखें, नॉर्मल टॉर्च तो नॉर्मल की तरह होता है, और वार्डन की टॉर्च जहाँ वार्डन अपना लेता है वो होती है रेड ब्लू टॉर्च। और जैसे मैंने शिप को मारा, वैसे गाइस मेरे को कमेंट करके बताना ये मेरा क्या अच्छा लग रहा है नहीं। ये मेरे दोस्त का है प्रोफाइल नहीं होता, मेरे दोस्त ने मेरे को कुछ ऐसा वीडियो एस्टेट स्टाइल दिया है, कुछ दिन के लिए दिया है जिससे मैं कर सकता हूँ। कुछ दिन के लिए मेरे दोस्त ने मेरे को एक चीज़ दी है जिससे मैं वीडियो को अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। चलिए अपनी वीडियो में बैक करते हैं। एंडरमैन जो हमें मारता है, क्या आपने सोचा एंडरमैन हमें देखते ही क्यों मारता है? वो हमें, अगर हम उससे देखेंगे तभी वो हमें क्यों मारता है? जैसे हम उसकी आई में देखते हैं, वैसे तो वो मैंने फूल फेंका शीप आ रही, जैसे वो हमें, जैसे मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो मेरे पीछे ही बट जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। ऐसा क्यों? एंडर ड्रैगन ऐसे भागता है जैसे हमने उसका कुछ चुरा लिया है और मैं मर भी गया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है, क्या है? ह्यूमंस जो एक बहुत समय पहले एक वो था, क्या बोलते हैं एंडर ड्रैगन का, कह सकते हैं हम बॉस, कह सकते हैं हम उसे जो एंडर ड्रैगन्स को कंट्रोल करता था, ठीक है? तो ऐसे ही वो कंट्रोल करता था जैसे एंडर ड्रैगन करता था। तो क्या हुआ, उसने सोचा मैं एक ऐसा करता हूँ जिसे वो ह्यूमंस को हर्ट नहीं करेगा पर वो ह्यूमंस को नुकसान पहुँचाएगा अगर उसकी आंखों में देखोगे तो। उसने ये आइडिया लिया जब माइनक्राफ्ट में 2021 में यह चीज़ आई, तब इस चीज़ ने धमाल मचा दिया। यह चीज़, यह है सिर्फ 2021 का ही है शायद। गाइस अगर आपने नोटिस नहीं किया हो, इसको अगर आप देखोगे, वैसे एंडर ड्रैगन वाला ख़त्म हो गया है, वो तो एक स्टोरी थी। तो अगर हम जाओ, अगर मैं जाऊँ नीचे तो मेरे को ये दिखेगा। अब आप सोचोगे मेरे को कैसे दिखेगा, ये कौन है, इसका यूज़ क्या है? तो गाइस 2021 में ना एक बहुत बड़ा हुआ था वोट टेस्ट, इसमें से एक ये मॉन्स्टर हमारे कुछ समय के लिए ही आया था सिर्फ। और ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक तो ठीक है, मतलब ठीक ही है, नॉच भैया ने इसे ऐसे ही किया था, मतलब कुछ समय के लिए टेस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने एक मॉन्स्टर बनाया जो मॉन्स्टर हमें सिर्फ केव्स में ही मिलता है, वो भी बहुत गहरी, जिसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वह स्टाइल अगर हम ये पढ़े तो आपको पता चलेगा उन्होंने बस ऐसी टेस्टिंग के लिए बनाया था, इससे लोग डरने लग गए। फिर लोगों को लगा यार ये तो रियल में है, ये तो वैसे हैं। तो यही चीज़ माइनक्राफ्ट का सीक्रेट है, ये माइनक्राफ्ट का दूसरा सीक्रेट था। अब आप सोचते अगर हम विलेजर को स्टाइल के तरीके से मारें तो क्या होगा? देखो यह एक मोड है, स्टाइलिश मोड। अगर आपको ये मोड खेलना है तो मेरे को कमेंट बताना स्टाइल वाला मोड, इसकी मदद से जो भी आप चीज़ करोगे वो कितनी स्टाइल में होगी, इतना मतलब इतना अच्छे से दिखाया जाएगा वो चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा।
तो जैसे हम ये देख लेते हैं, मैंने साइन बोर्ड लगाया, क्या आपको पता एक सीर, अगर आप ये नंबर साइन बोर्ड पे लगाओगे तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। आप मॉडर्न को मजे से बीट कर सकते हो। डेड लिस्ट मतलब जो भी है, अगर आप इसे बार बार ऐसे प्रेस करोगे इससे मरने लगते हैं बंदे। पता है अगर आप वार्डन को मारोगे बाई चांस, अगर आपने उस चीज की तरह, जैसे आपने उस चीज ली, आपने वार्डन को मारा, तो आपके पास एक ऐसी पावर आ जाएगी जिससे आप क्या क्या कर सकते हो, जिससे आप वार्डन, आपके पास वार्डन का दिल होगा, मान लो उसका दिल होगा, आप किसी को भी मार सकते हो। और वार्डन अगर अपना दिल रखेगा तो आप किसी विलेजर, किसी को भी कर सकते हो। बस मैंने जो वीडियो में आपको दिया था कमांड, आपको वो यूज़ करना है और आपको फिर वार्डन के पास जाना है। इससे वार्डन आपके, अगर आप इससे वार्डन को मार सकते हो इजिली, ये वो बहुत बड़ा सीक्रेट हो गया, ये कोई आपको बताएगा नहीं। तो जैसे मैं आपने फेंका फेंका, वैसे मेरे को एक बार बार बताया कमेंट करके, अच्छा लग रहा है। ये मिस्ट्री, दूसरी मिस्ट्री ट्राइडेंट, इससे लोग बहुत ज़्यादा, अगर आप ट्राइडेंट को निशाने के साथ मारोगे तो क्या मज़ा आता है, मतलब मज़ा नहीं आता, ऐसे नॉर्मल लगता है। अगर आप किसी को, अगर आप फायर वाला ट्राइडेंट यूज़ करोगे तो आप ऊपर जा सकते हो। ट्राई एंड सॉर्ड पिकैक्स से बहुत बेहतर होता है ट्राइडेंट, बहुत यूज़फुल हो गया है आजकल के लोगों के लिए। ट्राइडेंट तो डेवलपर्स ने ऐसे बना देता है, इसलिए हमारे, अगर आप यहाँ पर जाओ, अगर आप यहाँ पर फ्री स्पीक में जाओगे तो आपको ये पोशन 5-4 मिलेगा। ये वेपन बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, ये इससे वाटर का एक गॉड होता है जो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, वो स्पोन हो जाएगा आपको उसका, वो अगर आप क्रिएटिव में जाओ आपको एग मिल जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है, वो लिटरली कुछ भी कर सकता है, वो भी कर सकता है आप, मतलब वो आग छोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है आप उसे। माइनक्राफ्ट का एक तरीके से ना प्लेयर मान सकते हो, पर वो वार्डन का अगर कंपैरिजन करे तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। वार्डन वर्सेस वो, मान लो मैं जा रहा हूँ आइस में, मेरे को दिख रहा है एक अच्छा सा सुंदर सा घर, मैं जा रहा हूँ, मैंने सोचा यार नीचे चलोगे देखते हैं। जब मैंने नीचे जल के देखा तो अब मेरे साथ जो हुआ, एक नॉर्मल प्लेयर से, क्या आपने एक चीज माइनक्राफ्ट में नोटिस करी, विलेजर्स विच और पिगलिंस को मिलाकर ये खतरनाक बनता है मॉन्स्टर। ये होता है प्लेजर का दुश्मन, ये खतरनाक होता है वो, ये प्लेजर से बहुत नफरत करता है ना, ये बहुत पावर, ये मतलब ठीक होता है, इसके पास एक ऐसा आग वाला होता है जिससे वो आग छोड़ सकता है। पहले माइनक्राफ्ट में डेवलपर्स ने सोचा था, जैसे आप मान लो आप जाओ, आप नॉर्मली जा रहे हो एक सुंदर सी जगह पे, तभी आपको माइनक्राफ्ट में ऐसा दिखे, यार मेरे को लग रहा है ऐसा, मैं जाऊं तभी आप मर जाओगे। नेक्स्ट फैक्ट, हमने उस दूसरे उसके बारे में जाना, चल दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। क्या आपने सोचा है जो ये थंडर स्ट्रॉन्ग विंड गिरती है लोगों पे और माइनक्राफ्ट पे, ये कितना वो होता है, जैसे मैंने ट्राइडेंट से किया कभी हो जाता है, और क्रीपर पे ये छूटा तब तो क्रीपर चार्ज क्रीपर में हो जाता है, फिर जब हम इसे करेंगे पिग जॉम्बी पिगलिंग बन जाए। क्या आपको ऐसा चाहिए है, अगर आप यहाँ पे जाकर देखोगे तो आपको सारी डिटेल्स, लाइटिंग इज एन एंट्री एंटिटी, लाइटिंग एक एंटिटी है, जिस एक ऐसा मॉन्स्टर जो एक ऐसा प्लेयर जो एंटिटी जो ये थंडरस्टॉर्म गिराता है ताकि लोग मर सके, अगर अगर उसके ऊपर बिजली गिरेगी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाय जल्दी से सब्सक्राइब करो, ये घंटी भी बजाता तो, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्होंने मेरे को ये चीज़ करने को किया है, और इन्होंने मेरे को ये अपनी प्लेयर दिया है, इन्होंने ही मेरे को दिया है, ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड, इनके चैनल पे चेकआउट करते हैं वो, तो मैंने ऐसी ऐप की मदद से इनकी ले लिया, मैंने, मेरे को इनका चैनल बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने बोल दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर, ठीक है। तो क्या आपने मशरूम सुना है, मशरूम माइनक्राफ्ट में, मशरूम के बारे में, मशरूम जैसे मैं कर रहा हूँ ये कितना अच्छे से हो रहा है, 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 ये मशरूम
बायोम या ट्री। क्या आपने मशरूम का बायोम ट्री सुना है? एक ऐसी चीज जैसे घोड़ा, गाय, कोई भी कन्वर्ट हो जाते हैं किसी भी चीज में। मशरूम वाला हाईलैंड, मतलब जो भी आप उसे कह सकते हो, जहाँ पे मशरूम गाय होती हैं। ये एक ऐसा मशरूम गाय का, गाय को इतना बोल नहीं लेते लोग, पर मशरूम गाय हमें इतना भी फायदा भी नहीं देती। जो कोई भी मॉब ना, कोई भी मॉब आएगा वो मर जाएगा, वो उस जगह से मर जाएगा। सिर्फ मशरूम गाय वहाँ होती है, जैसे जॉम्बी आ गया, क्रीपर आ गया, कोई मर जाएगा। पेंटिंग, अगर आप पेंटिंग को जितना बड़, पेंटिंग में एक्सपेक्ट हो गया कि आपको अच्छी सी पेंटिंग मस्त सी बनानी है। वैसे तो हमें यही पेंटिंग दिखाते हैं, ऐसे ही दिखा देते हैं। फिर भी ये देखो स्केलेटन, ऐसे मैंने उसे मारा। अगर क्या आपको एंजल सुना है? एंजल, माइनक्राफ्ट की एंजल, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है गाइस। वो मैं आपको कभी किसी दिन एंजल की बताऊंगा। आपको बता रहे, सोल वाला अगर बनाया, ये विदर बनाया, तो ये पीछे पड़ जाता है। अगर हम इस क्या हो अगर हम इसे पेंटिंग्स के, पेंटिंग्स में ऐसे मारू तो ठीक है। कंटोर्स का, ये चीज़ें रियल लाइफ में हैं, ये जो भी पेंटिंग्स है वो बिल्कुल रियल लाइफ में है। नेक्स्ट फैक्ट, या यो जैसे मान लीजिए मैं आयोलैंडर से हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना? जैसे यहाँ पर जगह पे होती है, यहाँ हम अगर यहाँ जाएं तो हमें क्या दिख सकता है? क्रीपर स्केलेटन को मार रहा है, इससे हमें आई ऑफ वो मिलता है, बैत होते वाला। यहाँ इतने सारे क्रीपर्स होते हैं, अगर हम यह स्केलेटन को ले गए तो हम मार सकते हैं और हम एंडरडाई भी ले सकते हैं। कभी किसी ने सोचा ही है? ये आइडिया कितना मस्त है। वाइट एंडर पी ले सकते हैं हम, कोई भी पल ले सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक ही एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस एंड बाय बाय। लगा मेरा कैरेक्टर, और अगली वीडियो हमारी ये होने